कि आपकी वीडियो पर भी कॉपीराइट क्लेम आता है। वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ठीक होने के बावजूद भी आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है। सो गाइस, आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो पर नवे आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट से लाइक करके कमेंट कर दो कि आगे कौन सी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इसमें आपको सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद जो सर्च का ऑप्शन है उस पर सर्च करना है studio.youtube.com। इसको आपने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद स्टूडियो जो आपके जिस चैनल पे कॉपीराइट आया, जिस वीडियो पे कॉपीराइट आया, उसको इसमें लॉगिन करना है क्रोम पे, studio.com, youtube.com पे। तो इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आप इसको चैनल को इस पे ओपन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो एक सारी वीडियो आ गई। वीडियो के नीचे देखो आप कंटेंट का साइन मिलेगा आपको, उसको दबा देना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सारी वीडियो आ गई। अब इस वीडियो में देखो यहाँ पे जौन सी वीडियो को आपको कॉपीराइट आया है उसको दबा के यहाँ पे देखना है, सी डिटेल्स नाम की एक लिखा होगा उस पर दबाना है। उसको दबाने के बाद आपकी वीडियो आ जाएगी खुल के, जिस वीडियो पर आपका कॉपीराइट आया है। तो इस वीडियो के बाद आप ये देखना, यहाँ पे आपका लिखा है जो वीडियो पे जितने टाइम से लेके जितने टाइम तक आपकी वीडियो पे कॉपीराइट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिस गाने पे आया वो भी लिखा हुआ है। तो ये मतलब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इफेक्टेड, इसका मतलब है चैनल पे आपका इस कॉपीराइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका ये मतलब है। और जो ये नीचे लिखा है इसको, अब इसके साइड में यहाँ पे आ जाए थे थ्री डॉट्स हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे, मतलब दबाएंगे। इसको दबाने के बाद हमारी तीन ऑप्शन खोलते हैं। पहला वीडियो कट, दूसरा रिप्लेस म्यूजिक, और तीसरा वो उसका कोई मतलब नहीं रहने दो। पहले में आएगा जहाँ से लेके जहाँ तक आपकी वीडियो में कॉपीराइट आया है उस वीडियो को हटा दे, मतलब उस वीडियो का पार्ट सारा हटा दे, बाकी बची हुई वीडियो आएगी आपका कॉपीराइट हट जाएगा। पर नहीं, पर हमारे तो गाने पे आया तो इसे हम रिप्लेस गाने यूज़ करेंगे। रिप्लेस ऑप्शन को हम टच कर लेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे देखो हमारी वो खुल गई है जहाँ से हमारी कॉपीराइट क्लेम लगा है। उसके बाद इसको दबाने के बाद हमारी यहाँ एक यूट्यूब लाइब्रेरी खुल गई है। इसका मतलब है ये म्यूज़िक है, इसमें YouTube वाले अपनी तरफ से लाइब्रेरी म्यूज़िक देते हैं, इसे लगाने से कोई कॉपीराइट नहीं आता YouTube पर। ओके, अब इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें से आप कोई भी गाना चूज़ कर लेना, उसको ऐसे उसको लगा देना। उसके बाद इसको लगाने के बाद आप इस वीडियो को यहीं पे देखना जहाँ से उस वीडियो का गाना वहाँ पे हट गया, पुराना गाना और न्यू गाना लग गया, और यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसके आगे इसके बाद इस वीडियो को ऐड करने के बाद इधर देखना, ये वही चीज़ लग गई है। इसके बाद फिर वापस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद रिप्लेस का मतलब बता दिया आपको, म्यूज़िक बदलना। इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखना यहाँ पे जहाँ नॉट इफेक्टेड चैनल लिखा था वहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब यह है कि आपका जो मतलब YouTube वीडियो पे जो वो कॉपीराइट क्लेम आया था उस पर चेकिंग करने गया है कि आपकी वीडियो सही है, मतलब कोई कॉपीराइट गाना या कुछ है तो नहीं, बट नहीं होएगा। इसके बाद हम 20-30 मिनट बाद आप पे ऑप्शन आएगा, आप फिर पूरा बैक आ जो। सो गाइस, ये है तरीका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।